रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। बेटा मैं आज आप लोगों के साथ जो है वो 9.2 आप लोगों का चैप्टर जो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वो लेकर आई हूँ। आपका 9.2 एक्सरसाइज जो है आपकी, उसमें हमारे पास ये 5 क्वेश्चंस जो है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। हम रिड्यूस सिलेबस में अभी मैं आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की एक एक जो हर एक क्वेश्चन का पार्ट है वो करके दिखाऊंगी कि आप कैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला है, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ऑफ 4 सेंटीमीटर। ऑफ कंस्ट्रक्शंस मैंने आप लोगों के लिए लिख दी है, ठीक है। सबसे पहला, जैसे यू हैव टू ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर। जो है ये मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे कि 0 और 4 सेंटीमीटर के दरमियान हमने ये लाइन जो है ड्रॉ कर ली, यानी कि ये लाइन हमारी 4 सेंटीमीटर है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है पॉइंट्स ए और बी है, ठीक है। सेकेंड हमने काम ये करना है, यू हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। हम कंपास की मदद से अब ये एंगल्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये इस तरह बी पॉइंट पे रखा, 90 का एंगल ड्रॉ करना है ना। ये सेम, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका हाथ जो है वो उस पॉइंट से ना हटे, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ किया 60 का एंगल, याद है, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो काइंडली मेरी जो है वो वीडियो जरूर वॉच करें। हमने यहां से ये और इसके दरमियान में ये आपका 90 का एंगल ड्रॉ हो गया, ठीक है। सेम एस ये आपका 60 और ये आपका एंगल 120, ठीक है। यहां पे पॉइंट पे रखा, और इस पॉइंट पे रखा, तो ये आपके पास ये दोनों 90 के एंगल्स जो है वो ड्रॉ हो गए। अब हमने क्या करना है, हमने इन एंगल्स को ज्वाइन कर देना है। फ्रॉम पॉइंट ए मैंने ये स्ट्रेट लाइन लगाई, फ्रॉम द पॉइंट बी मैंने ये स्ट्रेट लाइन लगाई, ठीक है। मैंने किसी भी सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ये लाइन जो है ड्रॉ कर दी है। अब हमने क्या करना है कि हमने अपने स्केल से, हमने स्केल से जो है वो 4 सेंटीमीटर लाइन को, पहले तो मैं इसको थोड़ा सा और बेशक लंबा कर दूं ताकि हमारे पास ये पॉइंट्स जो है वो ऊपर चले गए, ठीक है। अब 4 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग जो है यहां पर जो लिखा था, टेक अ पॉइंट 4 सेंटीमीटर ऑन ए सी, यानी कि हमने 4 सेंटीमीटर से रखा 0 पर, तो ये जो है वो आपका पॉइंट सी बना। और सेम 4 सेंटीमीटर टू द पॉइंट डी, यहां पर हमारे पास पॉइंट डी बना। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये दोनों 4 सेंटीमीटर है, अगर आप यहां पर देख रहे हैं तो ये 4 सेंटीमीटर है, और इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये आपका 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है वो ड्रॉ हो गया है। जैसे मैंने पहले ऊपर आपको स्क्वायर बताई है कि आपके पास स्क्वायर थी 4 सेंटीमीटर की, ये मैंने 4.7 सेंटीमीटर की स्क्वायर जो है सिमिलर काइंड आपके लिए ड्रॉ की है। आप भी इस तरह से ड्रॉ करेंगे 4.7 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम मैंने यहाँ पर इनके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके लिए लिखे हैं कि एक एक्स वाई लाइन लूंगी तो आपने परपेंडिकुलर वाई के ऊपर और एक्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 90 डिग्री का, और 4.7 सेंटीमीटर के साथ आपने एल और एम के ऊपर ये 4.7 सेंटीमीटर के आपने दोनों पॉइंट्स लिए हैं, और इन दोनों को फिर हमने ज्वाइन कर देना है, और ये आपकी रिक्वायर्ड स्क्वायर जो है वो आपके सामने आ जाएगी। ओके जी बेटा, अब आपके पास ये अगेन स्क्वायर है, बाय द हेल्प ऑफ डायगनल्स हमें ड्रॉ करना है। पहला हमारा पार्ट जो है वो है 5.4 सेंटीमीटर का। 5.4 सेंटीमीटर की हम लोगों ने अगर ये कंस्ट्रक्ट करनी है स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ डायगनल्स, ठीक है। ये डायगनल्स दिए गए, इसका मतलब ये है, वो मैं आपको बताती हूँ, बायसेक्टर ड्रॉ करना। वो बायसेक्टर क्या होता है, पहले हम ड्रॉ करेंगे 5.4 की लाइन, ठीक है। 0 to सेम एज 5.4, 0 to 5.4, ये पॉइंट बना और ये पॉइंट्स हमने ज्वाइन कर दिए, तो ये आपके पास पॉइंट ए और बी, दैट इज 5.4, ठीक। दैट इज वेरी सिंपल। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि वी हैव टू ड्रॉ अ बायसेक्टर ऑफ पी क्यू। अब यानी कि इस पॉइंट के ऊपर हमने एक पी क्यू बायसेक्टर ड्रॉ करना है। बायसेक्टर का मतलब होता है कि एक स्ट्रेट लाइन उसका एग्जैक्ट हाफ, ठीक है।
अब हाफ कैसे पता चलेगा, जैसे 5.4 है, 5.4 सेंटीमीटर को अगर मैं हाफ करूँ, तो अगर मैं 5.4 को हाफ करूँ, हाफ मीन्स डिवाइडेड बाय 2, तो 2 2 ज़ा 4 14, 7 ज़ा 14, इट्स मीन 2.7 इज इट्स हाफ। इस लाइन का हाफ जो है एग्जैक्ट 2.7 होगा। हम क्या करेंगे, हमने बाय द हेल्प ऑफ कंपस 2.7 से लाइन बड़ी लेनी है। लाइक मैं अगर 3.2 या 3.5 या वट एवर, मैं 3.2 की लाइन जो है 2.7 से बड़ी होनी चाहिए, 2-3 इंचेस बड़ी। तो क्या होगा, मैं यहाँ पर लाइक 3 सेंटीमीटर 3.2, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो 3.2 सेंटीमीटर मैंने अपना कंपस को ओपन किया है, ठीक है, हाफ से बड़ा होना चाहिए, याद रखिएगा। अब बी पॉइंट के ऊपर मैंने एक लाइन कंस्ट्रक्ट की, ऊपर और नीचे दोनों तरफ मैंने ये एक आर्क जो है वो ड्रॉ कर ली है। अब क्या करेंगे, सेम पॉइंट हमने बी के ऊपर रखना है और बी ए के ऊपर रखना है, और ए के ऊपर से भी हम इसी तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। ये इसके लिए इंटरसेक्ट करना जरूरी है, ये मैंने इसलिए दोबारा बनाया। ओके, अब ये आपका ड्रॉ हो गया है। तो अब हमने इन दोनों के जो मिडिल पॉइंट्स थे, जैसे आपको पहले बताया था, इन दोनों के ये मिडिल पॉइंट, ये पॉइंट एक्स है जहां पर ये मिल रहा है, और ये पॉइंट इसका ये वाला। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं क्या करूंगी, ज्वाइन कर दूंगी। ये दोनों पॉइंट अगर आप देख रहे हैं तो मैंने ज्वाइन कर दिए, दैट इज अ बायसेक्टर। बायसेक्टर का मतलब है कि एक स्ट्रेट लाइन को, एक एंगल को भी, बायसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अगर आप स्केल से देखेंगे तो ये 2.7 एग्जैक्ट इसका हाफ होगा। यहाँ आपको ये नजर आ रहा है, ये 5.4 और ये एग्जैक्ट 2.7 सेंटीमीटर का जो है वो हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये पॉइंट ओ है हमारे पास, इस पॉइंट के ऊपर हमने यहां से इस पॉइंट के ऊपर आए और इस ए तक, इस कंपास को हमने छोटा बड़ा जिस तरह पहले हमने करते थे कि ये ए तक ये इसका रेडियस जो है वो ड्रॉ होना चाहिए, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है, बहुत लाइट सा आपने ये सर्कल ड्रॉ करना होगा, ठीक है। आपकी बुक में भी इवन ये डॉटेड सर्कल ड्रॉ किया है, जरा बता, हम तो उससे बना रहे हैं कंपस से, तो डॉटेड तो बन नहीं सकता, इसलिए इसको लाइट सा हम सर्कल को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि वो पॉइंट जो इस लाइन के साथ मैच कराए, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, ये आपके पास पॉइंट हो गया सी और ये पॉइंट हो गया डी। अब आपने सर्कल को, यानी कि इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देना है, ए को डी के साथ, ठीक है। ओ ए तो आपका रेडियस है ना, यहां पर मैंने लिखा था, ठीक है। अब आपने ए को सी के साथ और ए को डी के साथ जो है वो ज्वाइन कर देना है। अब ये मैंने यहां पर ज्वाइन कर दिया, तो हमारी रिक्वायर्ड स्क्वायर जो है वो अभी हमें मिल जाएगी, दैट इज फ्रॉम द पॉइंट बी और फ्रॉम द पॉइंट बी टू डी। समझ आ गई, आपका स्क्वायर जो है अगर आप देखें तो ये आपका स्क्वायर ड्रॉ हो चुका है। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 है। पार्ट 2 जो है वो आप खुद करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको समझ आया है कि नहीं, ठीक है। ये पार्ट 2 जो है वो 5.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है वो हमने ड्रॉ करना था, ये बिल्कुल उसी तरह से ड्रॉ किया है जैसे मैंने आपको पहले करके दिखाया है, ठीक है। क्या आपने 5.8 की ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके लिए लिखे, तो ये 5.8 का आपने ड्रॉ करना है और फिर आपने उन्हें बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट का मतलब ये हाफ हमने ड्रॉ किया एक्स वाई, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है एट द पॉइंट ऑफ ओ, ठीक है। सर्कल हमने ड्रॉ किया, ओ को सेंटर रख के एक सर्कल जो है वो ड्रॉ किया, और फिर जो है वो जो सर्कल के साथ पॉइंट्स जहाँ जहाँ टच कर रहे थे वो चारों लाइंस को हमने आपस में मिला दिया, और ये आपका रिक्वायर्ड स्क्वायर जो है वो हमारे सामने आ गया है। ओके, ओके, दैट इज रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 3 के मुताबिक ये आपके पास रेक्टेंगल है, आपने सिंपल रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ करना है बाय द हेल्प ऑफ अ कंपस, 90 डिग्री के साथ हमने ड्रॉ करना होगा। तो अब वो हम आपका राइट एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगल को, ठीक है। सबसे पहला
ये आपके पास लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है, ठीक है। रेक्टेंगल में आपको पता है कि आपके पास ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है, तो अगर हमने ड्रॉ करनी है तो क्या होगा, 5 सेंटीमीटर हम इसकी लेंथ ड्रॉ करेंगे, दैट इज 5 सेंटीमीटर लेंथ ड्रॉ करेंगे। सेम वही काम करना है जो हमने स्क्वायर के साथ किया था, कि यहाँ पर कंपस, पहला कंपस को हमने थोड़ा सा ओपन कर लिया अपने कन्वीनियंस के मुताबिक, ठीक है, और 90 डिग्री ड्रॉ करना है। अभी मैंने आपको बताया जैसे हमने काम वहां पर किया था स्क्वायर के साथ, यहाँ पर भी हम उसी तरह से 90 का एंगल ड्रॉ करेंगे। होपफुली आपको ये एंगल्स ड्रॉ करने आते होंगे, ठीक है, नहीं आते तो प्रैक्टिस करें, दैट इज वेरी इजी। ये हमने ड्रॉ किया 60, सॉरी, और 120। अब 60 से जो है वो हम एंगल ड्रॉ करेंगे 90 का, और हमने ये एंगल ड्रॉ किया 90 का, ओके। ये 90 के एंगल्स ड्रॉ करने के बाद ये लाइन जो है वो आपकी 90 को क्रॉस करके गुजरे, और ये लंबी आपने जितनी मर्जी जो है वो ड्रॉ करनी है, ये लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब क्या होगा कि हमने पॉइंट जो है वो लेने हैं 3 सेंटीमीटर, वी हैव टेकन अ पॉइंट, ठीक, ये आपके पास थी ए और बी, सॉरी मैंने पॉइंट्स नहीं लिखे, ये अब आप साथ साथ लिखेंगे, ओके। हमने 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर के इस लाइन के ऊपर पॉइंट लेना है, 3 सेंटीमीटर इस लाइन पर पॉइंट ले लिया, दैट पॉइंट इज पी एंड क्यू, और आपने अब ये पी और क्यू को ज्वाइन कर दिया, ये आपके पास 3 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 हमारे पास है, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए थे, मैंने आपको जैसे बताया था कि ये लेंथ और ये ब्रेथ है, 5.4 हमारे पास लेंथ है और 2.6 जो है वो ब्रेथ है। जैसे हमने स्क्वायर ड्रॉ किया था, यहाँ पर भी हमने उसी तरह से ड्रॉ करना है कि हमारे पास 5.4 की पहले लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर बाद में 90 के एंगल के साथ हमने ये पॉइंट लेने हैं। जैसे यहाँ पर ड्रॉ द परपेंडिकुलर, हमने परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री जो है वो ए सी और बी डी के साथ जो है वो ड्रॉ की है, ठीक है। और फिर 2.6 का, क्योंकि 2.6 उन्होंने कहा है, तो 2.6 जो है हमने इस लाइन के ऊपर पॉइंट्स ले लिए और दोनों लाइंस को हमने ज्वाइन किया, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड जो है रेक्टेंगल आ गई है। ये आपके पास स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसके मौजूद है। ओके, वी हैव टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। इस रेक्टेंगल को आपने डायगनली ड्रॉ करना है, ये डायगनल है, अगेन वही इसकी जो है वो लेंथ है और ये साइड है इसकी, यानी कि ये ब्रेथ आ जाएगी, ठीक है। हमने सबसे पहला काम 6.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करना है, जैसे मैंने भी आपको बताया स्क्वायर्स को जो हमने जैसे ड्रॉ किया है ये भी वैसे ही ड्रॉ होगा। वी हैव ड्रॉन अ लाइन ऑफ 6.3 सेंटीमीटर, ठीक है, 6.3 सेंटीमीटर की मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब क्या होगा कि 6.3 का हाफ देखेंगे, तो 6.3 का हाफ जो है वो क्या आएगा, 2 3s are 6, 1 and 3, 2 6s are 12, इट्स मीन ये 3.6 3.7 के अराउंड जो है वो इसका हाफ बनेगा। तो मैंने आपको बताया था कि आपने अकॉर्डिंग टू दैट आपने ओपन करना है, तो मैं ये लाइन जो है लाइक 4.2 4.3 जो है स्केल्स की मदद से ओपन कर रही हूँ। ये अगर आप नजर आपको नजर आ रहा है तो ये मैंने 4.3 सेंटीमीटर जो है अराउंड ओपन की है, दैट लाइन इज एक्स एंड वाई। वी हैव ड्रॉन नाउ बाय सेक्टर, अगेन यहाँ पर रखा आर्क लगाई, यहाँ रखा और आग लगाई, दोनों तरफ आपने सिमिलर आग जो है ऊपर और नीचे लगानी है, सेम एक्स पॉइंट के ऊपर रखा और आपने ये आग लगाई और ये आग लगाई, ठीक है। ये अब आपका बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया है, ठीक है। बाइसेक्टर को मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आई होप आपको समझ आ गई है कि बाइसेक्टर हाफ है, ठीक है, दैट इज अ बाइसेक्टर। अब आपने क्या करना है, स्केल आपने यहां पर अपना कंपस को इसके अकॉर्डिंग जो है वो ओपन करना है कि
ये x के साथ यहाँ पर, x के साथ, और सेम एज अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये y के पॉइंट के साथ जो है वो आकर टच हो रहा है. ओके, तो अब आपने यहाँ पर एक सर्कल जो है वो ड्रॉ करना है. ये मैंने सर्कल इसके साथ ड्रॉ कर लिया, ठीक है. वो 2.2 है, तो यानी कि कंपास की मदद से मैंने साइड जो है वो 2.2 ओपन करनी है. ये मैंने 2.2 अगर आपको नजर आ रही है तो मैंने 2.2 साइड जो है वो ओपन कर ली है. अब मैं क्या करूंगी कि मैं एक्स पॉइंट पर रखूंगी और सर्कल के ऊपर मैंने यहाँ पर ये पॉइंट ड्रॉ करना है. यहाँ पॉइंट पे रखा मैंने, सर्कल के ऊपर ये आर्क ड्रॉ की है, ठीक है. सेम एज वाई के ऊपर रखा मैंने, ये आर्क ड्रॉ कर दी. ये 2.2 की आर्क जो है वो ड्रॉ करनी है. एक्स के ऊपर ऊपर करना है और वाई के ऊपर ये नीचे की तरफ आर्क ड्रॉ करनी है. अब क्या करेंगे कि अब इसको मैं मिला दूंगी. इस पॉइंट को मैंने यहां पर मिलाया, मैंने लिखा था ठीक है कि हमने 2.2 की आर्क जो है वो ड्रॉ करनी है, और फिर उसके बाद एक्स को एल के साथ और एम के साथ जो है वो मिला दिया. ये मैंने इसके साथ मिलाया, ठीक है, और इसको मैंने इसके साथ ड्रॉ किया. अब मैंने इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है, एक्स को इसके साथ और इस पॉइंट को इसके साथ. ये आपकी रिक्वायर्ड रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ हो गई है. ये आपके पास जो है वो 6.3 था, और ये लाइन जो है वो अभी हमने ड्रॉ की है, दैट इज 2.2 सेंटीमीटर, 6.3 सेंटीमीटर, अगेन दैट इज ऑल्सो 6.3 सेंटीमीटर, ठीक है. हमने अब इनके पॉइंट्स नाम दे दिए. ये वाला जो है वो ऊपर पॉइंट मैंने एल रखा था, और ये पॉइंट जो है वो मैंने एम रखा था. समझ आ गई? आई होप ये आपको समझ आ गई होगी. बहुत ध्यान से बनाना है और मुझे बताना है कि ये आपको समझ आया या नहीं आया. इसका मैंने पार्ट टू नहीं किया. हर एक पार्ट में से मैंने एक एक पार्ट जो है वो आप लोगों के लिए छोड़ा है कि आप उसको कैसे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस के साथ जो है वो अपनी डायग्राम को ड्रॉ करेंगे. ये क्वेश्चन नंबर 3 के साथ आपका पार्ट 2 जो है वो आपने खुद ड्रॉ करना है. ओके, एंड दिस वन योर लास्ट पार्ट. मैंने यहाँ पर ये मैं आपको कंस्ट्रक्ट करके नहीं इसलिए दिखा रही क्योंकि मेरे पास इस टाइम डी मौजूद नहीं है. आप डी के साथ जो है वो इस एंगल को ड्रॉ करेंगे. ओके, ठीक. अब क्या करना है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के लिए मैं आपको स्टेप्स जो है वो इसके साथ साथ बता देती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ. ये अगर आपको क्लियर नज़र आ रही है, सबसे पहले मैंने ये लाइन ड्रॉ की 5.2 सेंटीमीटर की. पहला पॉइंट हमारे पास ये होगा. सेकंड पॉइंट हमने ये करना है कि हमने बी के ऊपर, क्योंकि हमारे पास जो एंगल है उन्होंने दिया हुआ है ए बी सी, तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि बी पॉइंट के ऊपर एंगल बन रहा है, दैट इज 70 डिग्री, ठीक है. यहाँ पर रखेंगे और अपने जो डी है उससे हमने 70 डिग्री का पॉइंट जो है वो ले लिया. जहाँ पर भी आएगा आपने लाइन ड्रॉ करनी है, बट इट शुड बी ऑफ 3 सेंटीमीटर. ये लाइन आपकी 3 सेंटीमीटर होगी, हम इससे ज़्यादा इस लाइन को एक्सटेंड नहीं करेंगे, ठीक है. 3 सेंटीमीटर तक लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, अपने कंपास को अगेन 5.2 सेंटीमीटर, अपने कंपास को अगेन हम 5.2 सेंटीमीटर जितनी ये है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आपके पास 5.2 है, तो आपने यहाँ से सी पॉइंट के ऊपर रख के 5.2 की ये आर्क लगा देनी है. नज़र आ रहा है? ये आर्क जो है वो हमने ड्रॉ की, और फिर उसके बाद हमने ए पॉइंट के ऊपर 3 सेंटीमीटर के साथ, ये 3 सेंटीमीटर यहाँ पर, 3 इतना है, तो अगर मैं यहाँ ए पॉइंट पे रखूँगी तो ए पॉइंट से डी तक ये 3 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करूँगी, अगर आपको ये नज़र आ रहा है तो, ठीक है. और फिर ये क्रॉस बन गया, तो सी और ए को हमने आपस में यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, तो ये पैरेललोग्राम ड्रॉ हो गई. ये सारे पॉइंट्स जो है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के साथ, ये आपके पास स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, ये मैंने आप लोगों के लिए लिख दिए हैं. आपने इसी तरह से ड्रॉ करना है. इसका भी पार्ट टू जो है वो आपके लिए मैं नहीं कर रही, आप इसको खुद ड्रॉ करेंगे. आई होप आपको समझ आ गई होगी ये एक्सरसाइज. अब
अच्छे तरीके से खुद सॉल्व कर ली है और मुझे बताना है, बेशक कमेंट्स में बताएं कि आपको ये समझ आया या नहीं आया। ओके।